नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। आज हम आपको ले चलेंगे महाबली के एक ऐसे धाम में जहां वो भगवान के रूप में नहीं बल्कि डॉक्टर के रूप में विराजते हैं। यहां महाबली इलाज करते हैं हड्डियों का। यहां कुछ मरीज व्हीलचेयर पर आते हैं, कुछ स्ट्रेचर में आते हैं और कुछ प्लास्टर के साथ लड़खड़ाते हुए भी आते हैं। और यहां इन मरीजों को दी जाती है एक जड़ी बूटी जिसे खाते ही ये मरीज ठीक होने लगते हैं, और वो भी हजारों की भीड़ के सामने। आइए आपको दिखाते हैं महाबली का ये अद्भुत धाम। हमें जानकारी मिली थी देश में महाबली हनुमान के एक नए रूप की, जिसे इलाके के लोग ऑर्थोपेडिक हनुमान कहते हैं। जिसकी तलाश में हमें जाना था मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर कटनी, जहां से कुछ दूरी पर है एक छोटा सा कस्बा मुहास। जिस तरह से पानी के बहाव को, इन परिंदों के परवास को किसी बाउंड्री, किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, उसी तरह से इंसान के विश्वास, उसकी आस्था को भी किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पन्ना में। पन्ना वैसे तो मशहूर है अपने डायमंड्स के लिए, अपने टाइगर्स के लिए, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं दुनिया के सबसे कामयाब डॉक्टर की तलाश में। जी हाँ, आपने हनुमान के कई नाम सुने होंगे, पवन पुत्र, बजरंग बली, लेकिन कभी ऑर्थोपेडिक हनुमान के बारे में सुना है? यानी वो हनुमान जो किसी भी टूटी हड्डी को जोड़ सकते हैं? नहीं सुना? आइए हम आपको दिखाते हैं। कटनी आकर पता चला कि हम जिस मंजिल का रास्ता तलाश रहे हैं उसे यहाँ पहचान की कोई जरूरत ही नहीं। हनुमान के उस चमत्कारी दरबार को लोग मंदिर नहीं बल्कि डॉक्टर साहब का दवाखाना कहते हैं। अरे नमस्कार सर। अरे सर, ये बताइए मुहास के लिए रास्ता यहीं से है? हाँ भाई साहब, आगे से है। क्या कोई किसी को फ्रैक्चर हो गया क्या? नहीं, फ्रैक्चर नहीं, हम लोग दिल्ली से हैं, थोड़ा सा स्टोरी बनाना चाह रहे थे मुहास का ना। अच्छा, तो वहाँ आपको डॉक्टर साहब पास जाना है मुहास में? डॉक्टर साहब जी, हनुमान जी वहाँ के डॉक्टर हैं। यदि किसी का कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे यहाँ 10-20 जिले से जो भी लोग हैं वहाँ पे, चाहे वो कितने का भी ऑपरेशन हो जाए, कहीं से भी आदमी दिखाया लेकिन मोहा जरूर जाता है दवाई खाने के लिए। अच्छा। और वहाँ के बाद आदमी अपने आप में दुरुस्त हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं आप लोग? अरे जगत पिता भी हो वो तो, वहाँ तो डॉक्टर भी है। हम लोग तो 10-5 जिले के लोग यहाँ से निकलते रहते हैं। लोगों ने बताया कि हनुमान का वो धाम कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। जितनी भीड़ आसपास के कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में नहीं दिखती, उससे ज्यादा भीड़ महाबली के उस दरबार में मिलेगी, खास तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन। मंगल शनिवार तो भाई साहब आप वहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे, इतनी भीड़ रहेगी। बस स्टैंड में आप चाहें कि आपको किसी बस में। किस्मत अच्छी थी क्योंकि हम भी शनिवार के दिन ही उस दरबार में पहुँचने वाले थे। कुछ देर सफर के बाद हम हनुमान मंदिर तक पहुँच गए। मंदिर के गलियारे में कदम रखते ही राम नाम का जाप सुनाई देने लगा। भीतर आए तो जैसे मेला सा लगा था। सैकड़ों की भीड़ जुटी थी। किसी के पैर में तकलीफ थी, किसी के हाथ में शिकायत थी। कोई बैसाखी लेकर आया था तो कोई दूसरों के कंधे का सहारा लेकर। मरीजों को बजरंग बली की एक अद्भुत प्रतिमा के सामने बैठा दिया गया। बताया गया यहाँ डॉक्टर खुद महाबली हनुमान है और माइक के सहारे लोगों को निर्देश देते ये बाबा सिर्फ एक जरिया है, जिनके हाथों से एक चमत्कारी बूटी मिलते ही एक अजीब सा करिश्मा होगा और यहाँ मौजूद हर इंसान अपने पैरों पर चलकर मंदिर से वापस जाएगा। वहाँ के बारे में हम जितनी भी बातें सुन रहे थे वो सुनी सुनाई बातें लग रही थी, लग रहा था कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन अभी हम यहाँ मंदिर में पहुँचे हैं और जिस तरह का एक डॉक्टर का वेटिंग रूम होता है बिल्कुल वही नज़ारा है। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, किसी के हाथ पे प्लास्टर है, किसी के पाँव पे प्लास्टर है, हर तरह की बीमारी से ग्रसित लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर से फ्रैक्चर वाला मामला चारों तरफ है। लोग हैं यहाँ पर और बिल्कुल डॉक्टर के वेटिंग रूम की तरह है। वहाँ पर सामने पंडित जी बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और यहाँ पर क्या क्या होता है, यही देखने के लिए हम आए हैं। और आइए देखते हैं कि यहाँ पर आखिर होता क्या है। मरीजों को चमत्कारी बूटी खिलाने की प्रक्रिया बस शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले मंदिर के पुजारी ने लोगों को कुछ निर्देश देने शुरू किए।
बताया गया कि ये निर्देश खुद महाबली हनुमान के कहने पर दिए जा रहे हैं। हनुमान जी का कहना मानोगे नहीं मानोगे? भगवान का कहना है कि सबको हाथ जोड़ के आंख बंद करो। राम कहने वाले को 100% राम और दवा खाने वाले को जीरो। तो राम कहने वाले ठीक हुए, दवा खाने वाले अब तक कोई ठीक नहीं हुआ। यहाँ मिलने वाली दवा तभी असर दिखाएगी जब लोग राम नाम का जाप करेंगे। जाप के सुर थमेंगे तो दवा का असर भी खत्म हो जाएगा। ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम। कुछ देर तक यहाँ मौजूद सैकड़ों लोग राम का जाप करते रहे, फिर उन्हें दवा खिलाने के लिए एक दूसरे गलियारे में ले जाया गया। दवाई देने का टाइम हो गया है यहाँ हनुमान जी के इस मंदिर में। और देखिए, बिल्कुल एक हॉस्पिटल की तरह सिस्टमैटिक तरीके से कार्ड्स इशू किए गए हैं, कूपन्स इशू किए गए हैं, और उन कूपन्स को चेक करके अब इन लोगों को अंदर उस एरिया में बुलाया जा रहा है जहाँ पर उनको दवाई दी जाती है, वो दवाई जिससे दावा किया जाता है कि वो किसी भी टूटी हड्डी को कहीं से भी ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह के कार्ड्स इशू किए गए हैं, उन कार्ड्स को देखकर, उन कार्ड्स को लेकर जो कूपन्स दिए गए हैं उनके ज़रिए एंट्री दी जाती है उस एरिया में जहाँ पर दवाई दी जानी है, और लोगों को एक एक करके लाइन में बिठाया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर दवाई दी जाती है और सबको एक एक करके लाइन में बिठाने की कोशिश की जाती है। मंदिर में हलचल तेज हुई तो हमारी बेकरारी भी बढ़ने लगी। हम देखना चाहते थे कि आखिर वो चमत्कारी बूटी है क्या, और कैसे राम नाम जपते ही वो बूटी लोगों पर असर दिखाना शुरू कर देती है। कुछ देर तक राम नाम के जाप के बाद मरीजों को बूटी खिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। आखिरकार एक मंदिर में हड्डियां कैसे जुड़ सकती हैं? महाबली के चमत्कारिक बूटी से लोगों का इलाज कैसे हो सकता है? अब तक ये कहानी हमें एक अंधविश्वास ही नजर आ रही थी, लेकिन मंदिर के पुजारी बार बार हमसे यही कह रहे थे कि कुछ देर बाद ही वो हमारी सारी गलतफहमी दूर कर देंगे। मंदिर के गलियारे में सैकड़ों मरीजों को एक लाइन में बिठाया जाने लगा। तो हर सिस्टमैटिक चीज की तरह इस मंदिर में लोगों को बिठाने का भी एक तरीका है, एक स्पेसिफिक तरीके के जरिए लोगों को बैठना होता है। पालथी मार के नहीं बैठना होता, पैरों पर बैठना होता है, और तभी उस दवाई का असर होता है। महाबली हनुमान की उस बूटी को खाने से पहले लोगों को एक खास तरीके से बैठाया जाता है और उस बूटी से जुड़े कुछ निर्देश दिए जाते हैं। जैसे पान खाया जाता है एकदम से नहीं गुटक जाना और राम बंद नहीं कर देना, और राम बंद हो गए तो आराम भी बंद हो गए। राम 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 और राम 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 राम। कुछ देर तक राम नाम के जाप के बाद मरीजों को बूटी खिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। मंदिर के पुजारी एक एक करके हर मरीज के पास जाते हैं और अपने हाथों से वो चमत्कारी बूटी खिलाते हैं। दवाई जो यहाँ पर दी जाती है इस मंदिर में, ये इस तरह की बॉल्स होती हैं और ये दोनों के लिए, मतलब इंसानों के लिए भी दी जाती हैं और यही गाय भैंस में जिनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं उनको भी दी जाती हैं। और कहा जाता है कि इसको चबाना नहीं है, इसको मुंह में रखना है, पान की तरह जैसे आप पान को खाते हैं उसी तरह ये घुलती रहे। और ये अलग अलग साइज़ की इसी तरह की गोलियाँ बनाई जाती हैं और सबके मुँह में ये गोलियाँ रख दी जाती हैं, और यही वो चमत्कारी दवाई है जो हर टूटी हड्डी को जोड़ देती है, जिससे हर टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। और इसी दवाई को पाने के लिए, इसी बूटी को पाने के लिए कई जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं और इस दवाई को अपने मुंह में रखकर बैठते हैं। आप देखिए, यहाँ पर सभी लोग अब इस वक्त बैठे हुए हैं, सबको दवाई दे दी गई है और सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस दवाई को धीमे धीमे अपने मुंह में रखा हुआ है, चबा रहे हैं, और उम्मीद यही है कि किसी भी तरह से उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, उनकी टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ जाएंगी और हनुमान ये चमत्कार करके दिखाएंगे। बताया गया कि दवा खाने के बाद मरीजों को कुछ देर इंतजार करना होगा, जिसके बाद मंदिर के पुजारी इस बात का प्रमाण देंगे कि लोगों की हड्डियां अब जुड़ने लगी हैं।
दवा बांटने के बाद मंदिर के पुजारी ने लोगों को एक अजीब सा निर्देश दिया। लोगों से कहा गया कि वो उसी पैर पर जोर डालकर चलें जिसकी हड्डियों में फ्रैक्चर है, यानी कुछ ऐसा निर्देश जिसकी मेडिकल साइंस कतई इजाजत नहीं देता। जिन लोगों के पांव टूटे या पांव में दर्द है उसी पांव में पूरा वजन रख के चलना पड़ेगा, जो हड्डियां टूटी थी जोड़ के उसमें कोई शंका नहीं करना। मंदिर के पुजारी ने उन मरीजों को जमीन पर पैर पटकने के निर्देश दिए जिनके पांव में फ्रैक्चर था। जिन लोगों के जो दवा खाए हुए हैं, जिन लोगों के पांव टूटे रहे, फ्रैक्चर रहे या दर्द रहा, ये अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के पांव पर दो। जमीन पर पैरों की हर धमक हमारे सीने पर बिजली से कम नहीं थी। हम अब भी हैरान थे कि जिन लोगों को अस्पताल के बिस्तर पर होना चाहिए वो इस मंदिर में क्यों खड़े हैं। लेकिन मंदिर के पुजारी का दावा और लोगों की आस्था हमें बार बार चुनौती दे रही थी। अब आप लोग एक बात बोलो, सबको आराम मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो कि नहीं मिला, बोलो कि नहीं मिला? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बोलो वीर बजरंग बली की जय। इस बातचीत के जरिए मंदिर के पुजारी ये प्रमाण देना चाहते थे कि महाबली की शरण में आए हर फरियादी का दर्द दूर हो चुका है। ये तस्वीरें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल थी। अगर सारा करिश्मा उस चमत्कारी बूटी में है तो ये बूटी सिर्फ इसी मंदिर में क्यों मिलती है, क्योंकि अब तक उस बूटी को दुनिया के सामने नहीं लाया गया। लेकिन पता चला कि ये बूटी तभी असर करेगी जब मंदिर के मुख्य पुजारी उसे अपने हाथों से मरीज को खिलाएंगे। यहाँ की दवाई कुछ दिल्ली के वैज्ञानिक लोग भी लेके गए, उन्होंने इसका रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि इस दवाई में तो कुछ नहीं है, लेकिन हनुमान जी कृपा से है जो हड्डी जुड़ जाती है। और कई लोग सारे लोग जानते इस दवा को, लेकिन असर जो करती है वो पंडा जी के हाथ से करती है। इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है। लोगों ने बताया कि बरसों पहले इस मंदिर के मुख्य पुजारी के पिता को खुद महाबली हनुमान ने दर्शन दिए थे और लोगों के इलाज का ये नायाब तरीका बताया था। पिता के बाद वो शक्तियां बेटे के पास हैं। जो ये जड़ी देते हैं, जो पंडा जी देते हैं, इनके पिताजी को हनुमान जी रूप में सिद्ध जी मिले थे। उन्होंने बताया कि इस जड़ी को जिसको भी भगवान हनुमान जी का नाम लेके दे दे, उसकी हड्डी जुड़ जाएगी। अच्छा। सबसे पहले इन्हीं का हाथ टूट गया। अच्छा। है ना। तो जब वो उनको याद नहीं आई तो हनुमान जी ने उनको याद कराई कि वो जड़ी जो आपको बताई थी इनको दे। तो इनका जब हाथ टूट गया तो उस जड़ी को उन्होंने दिया और जड़ी देने के बाद इन्होंने तुरंत बाल्टी झुलवाई। मंदिर में दिन भर ये सिलसिला जारी रहता है। एक जत्था जाता है तो दूसरा आता है और हर फरियादी का कुछ इसी तरह इलाज किया जाता है। जो भी पेशेंट वहां जाकर के आता था, 90% छोड़ दें, 95% पेशेंट्स वुड अल्टीमेटली एंड अप विथ एक्सुबरेंट कैलस फॉर्मेशन। क्या ये वाकई चमत्कार है या फिर अंधविश्वास, ये तय करना मुश्किल था। लिहाजा हमने इस इलाके के टॉप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स से मिलने का फैसला किया ताकि ये चमत्कार हमें साफ तौर पर समझ में आए। महाबली हनुमान के दरबार में हमने जो कुछ भी देखा, क्या वही सच है या फिर असली सच हम देख ही नहीं पाए? हमें बताया गया कि इस मंदिर में होने वाले इलाज की इतनी मान्यता है कि आसपास के कई जिलों के डॉक्टर भी कुछ मरीजों को महाबली हनुमान के पास रेफर कर देते हैं। सोचा इस बात की सच्चाई भक्तों से नहीं बल्कि खुद डॉक्टरों से पता की जाए, इसलिए हम शहर की ओर रवाना हुए। फैसला किया कि हम किसी ऐसे मरीज की रिपोर्ट देखेंगे जो हनुमान के मंदिर से इलाज करवाकर लौटा हो। हमारी मंजिल थी जबलपुर के सबसे बड़े ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जामदार। तो मध्य प्रदेश के इस पूरे इलाके में जब भी हड्डी टूटती है तो दो डॉक्टर्स का जिक्र हमेशा होता है। एक डॉक्टर हनुमान मुहास वाले, जिनकी महिमा, जिनकी लीला आप देख चुके हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर जामदार।
हम इस वक्त जबलपुर में मौजूद हैं और डॉक्टर जामदार की क्लिनिक मेरे पीछे है। मुहास में हमने बहुत सारे पेशेंट से बात की, आपने भी देखा बार बार जिक्र हुआ डॉक्टर जामदार का। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि खुद डॉक्टर जामदार ने उनका प्लास्टर चढ़ाने के बाद, उनको ऑपरेशन करने के बाद उनसे कहा कि हम जो कर सकते थे वो कर लिया, अब आप डॉक्टर हनुमान ऑर्थो हनुमान मुहास के उस मंदिर में चले जाइए, वो बूटी खाइए और देखिए कि फिर क्या असर होता है। तो हम डॉक्टर जामदार से मिलकर उनके से जानना चाहते हैं कि आखिर उनका क्या ख्याल है मुहास को लेकर, मुहास के इस चमत्कार को लेकर। आइए। डॉक्टर जामदार उन लोगों में हैं जिन्होंने मुहास के मंदिर में इलाज करवाने वाले तमाम लोगों की दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं, यानी मंदिर में इलाज से पहले और इलाज के बाद की भी। मतलब उस मंदिर में होने वाले इलाज का सच डॉक्टर जामदार से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि डॉक्टर जामदार भी उस मंदिर को किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। मैं प्रत्यक्ष तो वहां गया नहीं हूं, बट आई हैव हर्ड अबाउट द मिरेकल्स दैट टेक प्लेस देयर फॉर द लास्ट 30 इयर्स। जब मैंने प्रैक्टिस यहां पर शुरू की थी जबलपुर में, तो दैट वाज 33 इयर्स अगो, तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को ऐसे देखने मिलते थे जो यहां पर पहले आते थे, मेरे से एक्सरे करवाते थे, प्लास्टर लगवाते थे, उसके बाद गायब हो जाते थे। पर जो आश्चर्य की बात थी, जो मैंने 30 वर्ष में देखी, वो ये कि जो भी पेशेंट वहाँ जाकर के आता था, 90% छोड़ दें, 95% पेशेंट्स वुड अल्टीमेटली एंड अप विथ एक्सुबरेंट कैलस फॉर्मेशन। मेडिकल साइंस की भाषा में कैलस फॉर्मेशन शरीर के भीतर होने वाली एक ऐसी क्रिया है जो हड्डियों के जुड़ने में मदद करती है। डॉक्टर जामदार के मुताबिक ऐसा होना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। आमतौर पर शरीर में कैलस फॉर्मेशन के लिए दवाओं की जरूरत होती है, इसलिए एक थ्योरी यह भी कहती है कि शायद उस मंदिर में जो बूटी खिलाई जाती है वो कोई आयुर्वेदिक दवा भी हो सकती है। I also think it's not only miracle. I think there's some kind of Ayurvedic drug which is acting there and which is promoting bone healing in a large quantity. यानी जानकारों के लिए भी मुहास के मंदिर में होने वाला इलाज एक पहेली है। इस पहेली को सुलझाना तो मुश्किल है, लेकिन डॉक्टरों ने मंदिर के पुजारियों को कुछ सलाह जरूर दी है। I thought that I must once go there and tell him that भैया आप दवाई जरूर खिलाओ, प्लास्टर मत निकलवाओ, because I would be happy if the bones healed in 3 weeks time or 2 weeks time. Normal healing time is 6 weeks, but not at the cost of deformed. मतलब मुहास के मंदिर की पड़ताल में हमारे लिए किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं था। उस मंदिर में मिलने वाली बूटी में कुछ तो है जो दर्द से आराम देता है, लेकिन वो मंदिर हड्डियों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है, इसकी सलाह हम नहीं देते। मुहास के इस चमत्कारिक मंदिर के बारे में हमारे लिए किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं था। उस मंदिर में मिलने वाली बूटी में कुछ तो जरूर है जो दर्द से आराम देने का काम करता है, लेकिन ये मंदिर हड्डियों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है, इसकी सलाह भी हम नहीं देते। आज बस इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही एक और रोमांचक कहानी के साथ। नमस्कार।